इस लेक्चर में हम सीक्वेंसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज अ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर। सीक्वेंस हमारे पास कुछ चीजों का सेट है जो कि आमतौर पर नंबर्स का सेट होता है, और वो नंबर्स किसी एक तरतीब के साथ होते हैं। ये एक सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9। अब इसमें जो नंबर्स हैं उनमें कोई एक अरेंजमेंट है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, तो इनका आपस में कोई एक रिलेशन है। इनके 3 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 में 2 ऐड कर रहे हैं 7 आ रहा है, 7 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। सीक्वेंस के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, सेम थिंग है। उसके बाद सीक्वेंस की टाइप्स। सीक्वेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इन्फिनिट और फाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इफ दिस सीक्वेंस गोज ऑन फॉर एवर इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सीक्वेंस हो जो कि एंड नहीं हो रहा, उसकी कोई लास्ट टर्म नहीं है, तो तब वो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, अदरवाइज वो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस होगा। अब ये जो एक सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, अब ये सो ऑन जा रहा है, अब ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं है। सिमिलरली 20, 25, 30, 35 अप टू सो ऑन, ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट 1, 3, 5, 7, ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म जो है वो मौजूद है। सिमिलरली 4, 3, 2, 1, ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है। 1, 2, 4, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है वो अब आप बता सकते हैं कि वो वाला सीक्वेंस जिसमें लास्ट टर्म होगी वो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस होगा, और वो सीक्वेंस जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। अब सीक्वेंस की डेफिनेशन में बताया कि इट इज अ सेट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर। ऑर्डर क्या चीज है? ऑर्डर मीन्स यही, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सीक्वेंस में जो नंबर्स होंगे वो किसी एक खास तरतीब के साथ होंगे, उनमें कोई एक रिलेशन होगा। सीक्वेंस जो है ये सेट की तरह ही होता है, लेकिन सेट में और इसमें दो डिफरेंसेस हैं। सीक्वेंस में जो टर्म्स होती हैं वो किसी एक तरतीब के साथ होती हैं, जबकि सेट में उनकी कोई तरतीब नहीं होती। The terms are in order in sequence and they are not in order in set. The same value can appear many times. कोई एक वैल्यू जो है वो कई दफा किसी एक सीक्वेंस में आ सकती है, लेकिन सेट में जो एक वैल्यू है वो सिर्फ एक ही दफा आ सकती है। अब एग्जाम्पल देख लें कि 0, 1, 0, 1, 0, 1, ये एक सीक्वेंस है जिसमें जीरोज और वन जो है वो अल्टरनेट आ रहे हैं, एक सीक्वेंस, एक तरतीब, एक ऑर्डर जो है वो बन रहा है। लेकिन जब ये सेट होगा तो फिर सिर्फ जीरो वन ही होंगे, क्योंकि सेट में एक जो नंबर है वो एक से ज्यादा दफा नहीं आ सकता। उसके बाद नोटेशन, कि हम सीक्वेंसेस को किस तरीके से लिखते हैं। जिस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं उसी तरीके से हम सीक्वेंसेस को लिखते हैं। हर एलिमेंट जो है उसके बाद कॉमा आता है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, और पूरे जो हमारे पास सीक्वेंस होता है उसको हम सेट ब्रैकेट्स और ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सीक्वेंस जो होता है उसमें एक रूल होता है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के बाद किस तरीके से आएगी। मिसाल के तौर पे ये जो सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, ये अब 3 से स्टार्ट हो रहा है और हर दफा 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया
तो 7 आ गया, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया, 9 में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 11 आ जाएगी। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं उनमें एक रूल होता है, किसी वो एक रूल के तहत उनमें नेक्स्ट टर्म आती है। अब यही जो सीक्वेंस है, अगर हम 3 से स्टार्ट लें, हर दफा 2 ऐड करते जाएं तो डेफिनेटली हम इसकी जो टर्म्स हैं वो तो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 10th टर्म फाइंड करनी हो या 100th टर्म फाइंड करनी हो या nth टर्म फाइंड करनी हो, तो तब हमें कोई एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिस फॉर्मूला को यूज करके हम सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको फाइंड कर सकें। तो हम एक फॉर्मूला जो है वो डिवेलप करते हैं इसी सीक्वेंस के लिए। ये एक सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9। अब हमने कोई एक रूल देखना है कि किस रूल के तहत इनमें जो नेक्स्ट टर्म है वो आ रही है। तो कोई एक फॉर्मूला जो है वो हम बना लेते हैं। पहला तो ये है कि we see the sequence goes up 2 every time, कि हर दफा जो सीक्वेंस है उसमें 2 ऐड हो रहा है। तो हमने एक टेस्ट रूल बना लिया कि 2n, हर दफा जो पहली टर्म है उसमें 2 जो है वो ऐड हो रहा है। उसको हम चेक कर लेते हैं कि जब हमारे पास n1 होगा तो 2 होगा, जब n2 होगा तो 4 होगा, जब n3 होगा तो ये 6 आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो टर्म्स हैं वो पहली 3 है, दूसरी 5 है और तीसरी 7 है, लेकिन हमारा जो टेस्ट रूल है उसमें टर्म्स आ रही हैं 2, 4, 6। अगर हम देखें कि अगर हम इसी में 1 ऐड कर दें तो तब ये हमारा जो रूल होगा वो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो हमारा रूल इस हमने बना लिया टेस्ट रूल 2n+1। इसको हम चेक कर लेते हैं। जब हमने इसको चेक किया n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए तो ये इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ये कहने की बजाय कि हमारा जो सीक्वेंस है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और हर दफा उसमें 2 हम ऐड करते जा रहे हैं, हमने एक फॉर्मूला बना लिया 2n+1। अब n की कोई भी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हम वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उसी सीक्वेंस के लिए 100th टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 201 जो होगी वो हमारे पास 100th टर्म होगी। किसी एक सीक्वेंस के जो है वो एक से ज्यादा रूल भी फाइंड कर सकते हैं और वो उसी सीक्वेंस के लिए वर्क भी करेंगे। अब ये है कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको हम किस तरीके से डोनेट करते हैं। कोई भी सीक्वेंस होगा उसमें जो कोई भी टर्म होगी उसको हम इस तरीके से डोनेट करते हैं, xn इज द टर्म। अब x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है और n टर्म नंबर होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम लिख देते हैं 5th टर्म तो उसके लिए सिंपली x5 a5 कुछ भी हम लिख सकते हैं, कि कोई भी हम एक वेरिएबल ले लेंगे, अल्फाबेट ले लेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में हम वो नंबर लिख देंगे जो वो टर्म होगी। तो इसके लिए हमने nth टर्म के लिए जो रूल देखा वो ये कि xn, उसको हमने nth टर्म के लिए लिख दिया, इज इक्वल टू 2n+1। तो अब हम n की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वो वाली टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम n की जगह पे 10 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 10th टर्म जो है वो आ जाएगी। सिमिलरली आप 50th टर्म या कोई भी टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक सीक्वेंस है उसकी हमें जनरल टर्म जो है वो बता दी गई है और कहा गया है कि उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो कैलकुलेट करें। जनरल टर्म जो है वो है an इज इक्वल टू -1/n होल रेज टू पावर n। अब फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, सिंपली n की जगह पे नंबर्स पुट करते जाएंगे। जब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास टर्म आ गई, उसका आंसर आ गया -1।
जब हमने n की जगह पे 2 पुट किया तो टर्म आ गई 1 बाय 4, जब हमने 3 पुट किया थर्ड टर्म आ गई माइनस 1 बाय 27, जब हमने 4 पुट किया तो फोर्थ टर्म आ गई 1 ओवर 256। तो सीक्वेंस की जो फोर टर्म्स हैं वो हमारे पास ये आ गई। इस लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस का इंट्रोडक्शन देखा कि सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है। सीक्वेंस हमारे पास यूजली एक नंबर्स का सेट होता है जो कि किसी एक खास तरतीब के साथ होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि सीक्वेंस इनफाइनाइट कौन से होते हैं और फाइनाइट कौन से होते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास वो सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद ना हो और वो सीक्वेंस जो है वो चलता रहे, और फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जिस सीक्वेंस में हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो होती है। सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं वो किसी एक खास तरतीब के साथ होते हैं। सीक्वेंस और सेट जो है वो एक जैसे ही हैं, लेकिन उनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि सीक्वेंस में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो किसी तरतीब के साथ होती हैं, लेकिन सेट्स में उनकी कोई तरतीब नहीं होती। और सीक्वेंस में हमारे पास जो एक नंबर है या एक जो टर्म है वो मैनी टाइम्स आ सकती है, लेकिन सेट में जो एक नंबर या एक टर्म है वो सिर्फ एक बार ही आ सकती है। उसके बाद हमने सीक्वेंस को लिखने का तरीका सीखा कि सीक्वेंस को जब हम लिखते हैं तो उसके नंबर्स के दरमियान कॉमा आता है, और सारे नंबर्स को या सारी टर्म्स जो हैं उनको हम सेट ब्रैकेट्स या ब्रेसिस में लिखते हैं। किसी एक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनके आपस में कोई एक रूल होता है, उस रूल को वो फॉलो करती हैं। हमने एक सीक्वेंस देखा 3, 5, 7, 9, और हमने देखा कि हर दफा जब पिछली टर्म में 2 ऐड हो रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो आ रही है। लेकिन अगर हमने जो टर्म है वो 10th टर्म फाइंड करनी हो या 100th टर्म फाइंड करनी हो तो फिर हम हर दफा जो 2 ऐड करना है वो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हम उसके लिए कोई एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस को देख के हम उसका फॉर्मूला डिवेलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये एक सीक्वेंस लिया 3, 5, 7, 9, और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। देख के पता चल जाता है कि हर जो टर्म है वो एन का कोई भी एन है तो उसका 2 टाइम्स जो है वो आ रही है। हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो 2n है उसमें जब 1 ऐड हो रहा है तो तब जो है वो टर्म्स आ रही हैं। हमने इस को टेस्ट रूल को चेक किया 2n प्लस 1 को, तो ये हमारा वर्क कर रहा था। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से हम उस सीक्वेंस की कोई भी जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। किसी एक सीक्वेंस के लिए कई रूल हो सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। सीक्वेंस की जो टर्म है उसको लिखने के लिए किसी भी अल्फाबेट की सबस्क्रिप्ट में हम वो नंबर लिख देते हैं जितने नंबर वाली वो टर्म होती है। मिसाल के तौर पे 5th टर्म है तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया x5। सिमिलरली हम nth टर्म है तो उसको हमने इस तरीके से लिखा xn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो हम 10th टर्म या कोई भी जो टर्म है वो इस सीक्वेंस में फाइंड कर सकते हैं। सिंपली n की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया जिसमें हमने एक सीक्वेंस की जो 4 टर्म्स हैं उनको फाइंड करना था। अभी हम एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे और साथ ही इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल इसी बेस पे है कि उसमें हमने सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई होगी तो उसकी जो टर्म्स हैं वो फाइंड करना होंगी। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं सीक्वेंसेस की। तो पहली एग्जांपल ये है राइट 1st 2 एंड 21st एंड 26th टर्म ऑफ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज 1 raised to power n plus 1। अब ये एक सीक्वेंस है जिसमें उसने हमें जनरल टर्म या जो nth टर्म है वो बता दी, an
is equal to minus 1 raised to power n plus 1. अब हमने कोई भी जो टर्म है वो फाइंड करनी होगी तो हम सिंपली n की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे. फर्स्ट टू टर्म्स हमने फाइंड करनी है तो पहली टर्म के लिए n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a1 वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर 1 प्लस 1. तो माइनस वन रेज टू पावर 2 हो जाएगा जो कि हमारे पास 1 होगा. नेक्स्ट टर्म a2 के लिए हम n की जगह पे 2 पुट कर देंगे माइनस वन रेज टू पावर 2 प्लस 1. तो ये हो जाएगा माइनस वन रेज टू पावर माइनस थ्री, सॉरी माइनस वन रेज टू पावर 3. तो उसका आंसर हमारे पास माइनस वन आएगा. अब हमने 21st टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 21 पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा माइनस वन रेज टू पावर 21 प्लस 1 माइनस वन रेज टू पावर 22. तो इसका आंसर भी प्लस 1 होगा. जब हमने 26 टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 26 पुट कर देंगे माइनस 1 रेज टू पावर 26 प्लस 1 विच इज माइनस 1 रेज टू पावर 27. और माइनस 1 की जो 27th पावर है वो माइनस 1 होगी. तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि हमें जनरल टर्म दी गई है और हमने सीक्वेंस की कुछ टर्म्स फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सिंपली n की जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है जो टर्म हमने फाइंड करना होगी.